सुरेश रैना ने पत्नी के साथ मनाया करवा चौथ, तोड़ा व्रत। शेयर की फोटो। 8 अक्टूबर को देश भर में बड़ी ही धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया था। इस त्योहार को आम से लेकर खास तक ने काफी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ इस त्योहार को मनाया। दोनों ने साल 2015 में शादी की थी। फैंस के साथ अपने सेलिब्रेशन की एक तस्वीर को युवा क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तस्वीर में सुरेश ने एक हाथ में पानी का लोटा तो दूसरे में थाली और छलनी पकड़ी हुई है। वहीं उनकी पत्नी क्रिकेटर की आरती उतार रही हैं। इस तस्वीर को उन्होंने कैप्शन दिया है, भगवान करे कि पूरे चांद की रोशनी आपके दिल को खुशियों से भर दें। आप सभी को सुखी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में खबर आई थी कि रैना अपने साथी क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार की शादी में जमकर डांस करना चाहते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने बुधवार को अपनी खास दोस्त नूपुर नागर के साथ नोएडा में सगाई कर ली थी। भुवनेश्वर ने अपनी सगाई की कुछ तस्वीरें अपने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर रैना ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, बधाई हो भुवनेश्वर आपकी शादी में, डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं कुछ दिनों पहले सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ सुरेश रैना ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रैना ने इस फोटो पर एक कैप्शन भी दिया था। उन्होंने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा था, लखनऊ में सद्गुरु का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने सद्गुरु के रैली फॉर रिवर कैंपेन की सफलता की कामना की।